सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष आई ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकत्री कल्याण सेवा समिति चंदा यादव की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री से मिलने के बाद नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में सभी आशा बहनों को एकजुट होने की रणनीति बनाई और आगे के कार्यक्रम को किस प्रकार किया जाए इस बात पर भी विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा बहुओं की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आज सुबह मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। बैठक के दौरान गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव ने कहा, देखिए भवनाइए मत, बगल परिसर बंद किए हैं, आप लोग एक नारा लगाते हैं तो ये भारत की नारी है, वो नहीं चिंगारी है, तो लेकिन उनके अंदर सभी क्षमता भी होनी चाहिए। आप ही लोग अगर कमजोर हो जाएंगी और सोचने लगेंगी तो हम उस बच्चे की माँ हैं, अगर कोई गलती होती है तो हम बच्चे को भी मारते हैं, वही हमारे अधिकारी हैं। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोग को धरना प्रदर्शन से या कोई दिक्कत से अगर थोड़ी घड़ी के लिए उनके मन में नाराजगी है तो इस नाराजगी को ये आशा पहले खत्म करेंगी और आपको ये मानना होगा। हम लोग 11:54 पर माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई। हमारी 4-5 बहनें गई थी मुलाकात में, काफ़ी कतारें लगी रहीं, लेकिन प्रशासन के सहयोग से हम लोग कहे कि हम लोगों को मिलवा दीजिए और वहां हम गए, हम अपना ज्ञापन दिए और मुख्यमंत्री जी से कहें कि 1.5 साल बीत गया, आपने कहा था कि आशा और आंगनबाड़ी दोनों को हम कुछ करेंगे महाराज जी, और आपसे हम निवेदन करते हैं। मैं हाथ जोड़ के उनसे बोली और आंसू भी मुझे गिर गए कि आप जो है आंगनबाड़ी को कर दिए और हमको नहीं कुछ किए, ऐसा क्यों हमारे साथ किया गया। मुख्यमंत्री जी यही जवाब दिए कि ये आशाएं जो हैं ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, और डीएम साहब को बुलाइए और इनका कागज दीजिए उनको, अगर ये धरना प्रदर्शन करती हैं, बात नहीं मानती हैं, तो इनके पर कार्रवाई होगी और नई आशाओं का चयन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से अब भी हम निवेदन करते हैं कि अगर हमारी बहने आक्रोश में थी तो अगर हमारी बहनें आंदोलन और धरना की हैं तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं।